हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टैग गुरुचे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि ये जो एम्पलीफायर है, मैंने कुछ इसकी इतनी वार्निंग कर दी थी। यहाँ पर मैंने बेस ट्रेवलर और इसके वॉल्यूम के कनेक्शन और इस कार्ड के कनेक्शन कर दिए थे और पीछे स्पीकर के कनेक्शन कर दिए थे। आज जो इसकी बाकी की वार्निंग बची है, जो ये बाकी के कनेक्शन बचे हैं जैसे ट्रांसफार्मर और ऑडियो जैक, मैं इसकी कनेक्शन कर दूँगा और फिर इसको इसमें टेस्ट करके दिखाऊँगा, वो भी 10 इंची स्पीकरों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस एम्पलीफायर में ऑक्स पिन लगा रहा हूँ, जिससे हम लीड से कलेक्ट करके एम सेट बॉक्स या आवाज़ या फ़ोन से इसको चला सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 3 वायर से इसके कनेक्शन कर दिए। एक मैंने दोनों की पिन को मिला दिया है और यहाँ पर मैंने ग्राउंड दे दिया है और ये लेफ्ट राइट ऑडियो लगा दिए हैं। अब इन तीनों वायरों को हमको इस जगह, ये जो कार्ड से हम जो इनपुट दे रहे हैं, उस जगह हमको सेम तरीके से लगा देना है। मतलब ये जो ग्राउंड है तो ग्राउंड में लगा देना है, आप कहीं भी लगा सकते हो उसी सीरीज में। और फिर इसका जो इनपुट है, मैं उसका इनपुट लगा दे रहा हूँ इस जगह उसी सीरीज में। और इसका ये वाला जो इनपुट है वो भी मैं लगा दे रहा हूँ इसी सीरीज में ये। तो यहाँ पर इसके जो ऑडियो कनेक्शन, मतलब जो बाहर से जो हम जो ऑडियो भेजेंगे, वो उसके कनेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 1, 2, 3, तो ये तीनों तार लग चुके हैं। अब मैं इसके साथ ही पावर के 2 वायर निकाल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसके जो पावर के वायर हैं वो मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमको एक वायर यहाँ लगाना है, ये जो है हमारा प्लस का है, और इस जगह हमको जो माइनस लगा देना है। और हमारा ये बोर्ड के जो सारे कनेक्शन थे, वो A to Z सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस बोर्ड को कस दे रहा हूँ। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, यहाँ पर इसके जो मैंने प्लस के वायर लगा दिया और ये यहाँ से इसको लगा दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इस बोर्ड को हम कस दे रहे हैं जोका त्यों। तो मैं इस बोर्ड को कस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बोर्ड पूरी तरह कस चुका है, ना ही हिल रहा है, एकदम अच्छी तरीके से। अब हम जो पावर के कनेक्शन बचे हैं, तो इस जगह हमें अपना ट्रांसफार्मर रखना है। तो मैं उस ट्रांसफार्मर को रख दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड 12012 ट्रांसफार्मर है। तो इसके जो आगे कनेक्शन दिए हैं, हमें सिर्फ इन दोनों को लगाना है, इसको इस वायर का कोई यूज नहीं करना है। ये हमारा ग्राउंड है और ये वायर प्लस का है। तो बस हमको ये कनेक्शन इसमें कर देने हैं और इस पावर लीड से इधर साइड में कनेक्शन कर देने हैं। तो मैं इसके सारे कनेक्शन करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी ज़रूर देखें। और साथ ही अभी मैं इसका जो टेस्ट है, इसका जो क्या साउंड क्वालिटी निकलती है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर दे रहा हूँ। ये जो मैं लाइट के कनेक्शन कर रहा हूँ अभी मैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब बस हमको इससे कनेक्शन कर देने हैं। ये हमारे लास्ट वायर है, इनको लगा देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ग्राउंड के लिए, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड का ग्राउंड में लगा देते हैं। ये इसका ग्राउंड है ब्लैक वाला, और इसका हरा ग्राउंड है, और ये इसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं इसके ये लास्ट वायर बचे हैं, मैं इनको भी लगा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसके कनेक्शन हो चुके हैं। जो तीसरा वायर बचा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप इसके मुँह पर टैप लगा दें, जिससे ये इधर उधर शॉर्ट सर्किट ना फैलाए, ठीक है। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके बिना फिट इसको चला सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसके जो सारे करेक्शन थे वो हो चुके हैं। अब बस इसको कसना बाकी रह गया है। तो मैं इस ट्रांसफार्मर को भी कस दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों,
हमारा जो एम्पलीफायर है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम लाइट से कनेक्शन दे के देखते हैं क्या इसमें लाइट आ रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें लाइट आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका जो USB कार्ड है वो चालू हो गया है और इसमें लाइट आ रही है। तो फ्रेंड्स अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं म्यूजिक बॉक्स के साथ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने इस 10 इंची स्पीकर में इसके कनेक्शन सारे कर दिए हैं। आपको दिखा दूँ, ये जो स्पीकर के वायर है इसमें मैंने 10 इंची स्पीकर के बॉक्स लगाए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो बॉक्स के तार हैं, ये तार इसमें डायरेक्ट कस रहे हैं। अब इसको हम इसमें प्ले करके देखते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके का निकल रहा है। तो एक बात बता दूं फ्रेंड, आप फोन से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके से निकल रहा है, लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकते हैं इसका साउंड कैसा निकल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम चला के देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो ये साइड में कर दिया और इसके जो कनेक्शन है मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें FM चालू हो गया है। अब मैं ये पेन ड्राइव लगा के दिखाता हूँ। Play by USB drive. तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका बेस ट्रेवलर सब काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा इसकी आवाज़ निकल रही है, लेकिन आपको शायद ऐसा लग रहा हो क्योंकि स्पीकर में ये जो फ़ोन की जो माइक है वो आपको ऐसा लग रहा हो जैसे आवाज़ इसकी फट रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं इसमें जो मैंने ये ऑडियो जैक लगा के पीछे दिखाया था उसके ये कनेक्शन करके, तो मैं यहाँ पर इसको भी दिखा दे रहा हूँ आपको लगा के ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम इसको तो मैं इसको इस फॉर्म में लगा दे रहा हूँ और आप इस तरीके से भी सॉन्ग सुन सकते हो फ़ोन को लगा के। आपको इसलिए इसको बंद करना होगा, वैसे आप इसको चाली पर भी सुन सकते हैं, इसको बंद करना होगा तब इसको आप इसमें शौक चला सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ठीक है फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।